और उसी लोकेशन में हमें बिच्छू, चमगादड़ ये सब मिले हैं। फेम, नेम, ये पैसा सब आता जाता रहेगा, लेकिन जो बिल्कुल टाइम है वो टाइम का अगर वैल्यू अगर ऑडियंस देती है, अप्रिशिएट करती है, तो लगता है कि हमने जो ये टाइम इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल सही किया है, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। क्यों मारा सचिन को, क्यों मारा? अभी तो ये कैरेक्टर पसंद आने लगा था, अभी ये कुछ करने वाला था। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि आप रियल लाइफ में भी ऐसे हैं जैसे सचेत है, तो मैंने कहा नहीं, मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा लुक चेंज था। मेरा लुक, मैं दाढ़ी थी, सब बहुत चेंज लुक था इसका। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पंकज शर्मा, जिनको आपने रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आई दहन में देखा होगा, तस्का चोपड़ा और सौरभ शुक्ला जी के साथ। तो उन्हीं से आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हाय पंकज, वेलकम टू नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। हाय प्रेरणा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चल रही है जिंदगी, काफी अच्छा, चलो खुश बढ़िया हूँ, है, चलती रहनी काफी खुश चाहिए। भी। और दहन में आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया गया था। सबसे पहले मैं उसी क्वेश्चन से शुरुआत करने वाली हूँ कि वो क्या एग्जैक्टली किस्सा था जब आपके कैरेक्टर को गेम ऑफ थ्रोन के किसी कैरेक्टर से कंपेयर किया गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, हाँ, वो गेम ऑफ थ्रोन्स मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी, और स्पेशली ये राइटर्स के लिए काफी बड़ी बात है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के रॉब स्टार्क, जो जिन्होंने रॉब स्टार्क थे, उनके साथ कंपेयर किया, क्योंकि ये एक क्रिसेंटो बढ़ता है कहानी का। और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ऐसा था कि जब सिचुएशंस को रॉब स्टार्क टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, उस पावर में आते हैं, सो उसी टाइम पे ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस भी जो होती हैं वो ऐसी होती है कि अब नाउ ही मतलब ये टेक ओवर करेंगे, और तभी ब्लड वेडिंग होती है और लाइक उनका कैरेक्टर वहीं पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो क्रिसेंडो जिस पॉइंट में बढ़ा था, ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से रॉब स्टार्क का जो कैरेक्टर है वो जैसे ही मरे थे, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ऐसे ही सचेत के साथ भी हुआ। दहन में भी जिस तरीके से शुरुआत हुई थी सचेत की, सो वो एक आईएएस ऑफिसर के असिस्टेंट हैं और बहुत ही शांत हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरे सक्षम हैं, ऑनेस्ट हैं, और विद टाइम जैसे जैसे उनका कैरेक्टर आगे बढ़ता जाता है, उनका अपना परिवार है, उनकी एक आइडियोलॉजी है उस परिवार की, जिस चीज की वो रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। एंड सचेत के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार नहीं था, उसके फादर के साथ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन जब उसने फैक्ट्स देखे जो उसको समझ में आ रहा था धीरे धीरे कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है, जिस मिथ को हमारा पूरा गांव शिलास पूरा फॉलो करता है उसी मिथ के साथ उनको जाना ठीक लगा। एंड देन उसके बाद जब उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए अपनी तैयारी की, वो रेडी हुए, पूरा गांव उनके सामने आ गया था कि प्लीज आप प्रमुख बन जाइए, प्रमुख बन जाइए। तो द मोमेंट उन्होंने अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, क्रिसेंडो बढ़ा, ऑडियंस को ये लगा कि नाउ आफ्टर सिक्स्थ एपिसोड या फिफ्थ एपिसोड सचेत विल टेक केयर ऑफ होल थिंग, लेकिन वहीं पर सिक्स्थ एपिसोड में उसका हाथ कटता है पहले, फिर गला कटता है, तो वहां पर एंड हो जाता है। बट दैट अच्छा, वाज राइट राइट। तो लगता नहीं है कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था, लाइक थोड़ा सा समय से पहले, या कहूँ जो स्क्रिप्ट के हिसाब से उस कैरेक्टर का वहीं पर ही अंत हो गया, और एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं जो ऑडियंस देखना चाह रही होगी मे बी, तो वो वहीं पर ही समाप्त हो गया। एज एन एक्टर, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं पर्सनली भी चाहता था कि वो कैरेक्टर की जो जर्नी है थोड़ा सा और चलती आगे, और लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो सचेत के ऊपर नहीं है, वो अवनी के ऊपर है, इसका चोपड़ा मैम राइट के राइट ऊपर है। एंड जहां पर उसका एंड हुआ और जो शॉकिंग मोमेंट्स ऑडियंस को मिले,
वही एक्चुअली हमारे डायरेक्टर चाहते थे, हमारे राइटर्स चाहते थे कि ये शॉक ऑडियंस को मिले। सो मेरे से किसी इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि अगर आप डायरेक्टर होते तो क्या करते, तो हंसते हुए जवाब दिया मैंने। मैंने कहा कि देखो ये बहुत अलग चीज है, अगर आप डायरेक्टर की बात कर रहे हो तो जो डायरेक्टर ने किया वो बिल्कुल सही है, वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। और अगर ये चर्चा में आई है बात कि सचेत को इतनी जल्दी क्यों मार दिया गया, तो वो अपने आप में ही बहुत कमेंडेबल है। और वो मतलब जो सोच रखी थी डायरेक्टर और राइटर्स ने, वो वहां तक पहुंची। और एज एन एक्टर तो हम थोड़े से लालची हो जाते हैं कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। अच्छा, तो मैं भी यही सो यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि अगर आप डायरेक्टर होते, आप स्क्रिप्ट राइटर होते, तो आपका क्या होता, कि क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ता, क्या होता उस कैरेक्टर का फिर आपके? मैं आई थिंक पूरा जस्टिस राइटर्स ने किया है इस कैरेक्टर के साथ, और जितनी इसकी जर्नी थी एक्चुअली मैं भी वही डिसाइड करता। और जिस तरीके से शूट हुआ है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, वो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया, अच्छा, आप शूटिंग के तो बारे मैं में भी वही बात कर करता रहे जो। हो तो थोड़ा सा ऐसा देसी टच है उसमें, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा, कुछ आप जो ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहो, सेट का कोई ऐसा बीट या मोमेंट। ऐसे बहुत से किस्से हैं, क्योंकि एक तो हम राजस्थान में शूट कर रहे थे और उस टाइम पे मार्च में ये शूट शुरू हुआ था, तो जिस तरह से वहां पर गर्मी पड़ती है, तो वो और मोस्टली रियल लोकेशंस थे। तो जो माइन का भी आपने देखा अगर शो, तो माइन के जितने भी सीन्स हैं, डिग्री कुछ 45-46 ऐसा रहा है वहाँ पे। एंड काफी लोगों की काफी जितना क्रू था, कास्ट इंक्लूडिंग कास्ट, तबीयतें खराब हुई। एक दिन ऑलमोस्ट 26 से 28 लोग एक साथ बीमार पड़े थे, ओह गॉड, लेकिन शूट का भी हुआ। इनफैक्ट हमारे जो डायरेक्टर है विक्रांत पवार जी, ड्यूरिंग द शूटिंग टाइम उसी मतलब सेकंड स्केड में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उन्होंने शूट रोका नहीं। और डॉक्टर ने पूरा उनको बोला था कि आप शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो वैसे ही जाते थे और उन्होंने वैसे ही शूटिंग की। सो काफी टफ टाइम रहा है। दो बारी इसमें लॉकडाउन भी पड़ा तो शूट शुरू हुआ, अदरवाइज ये मार्च से अप्रैल तक का पूरा स्केट था, लेकिन मार्च अप्रैल में जाकर दोबारा लॉकडाउन पड़ा, शूटिंग हमारी बीच में रुकी। फिफ्थ एपिसोड में जब आपने देखा होगा, वो सौरभ शुक्ला सर के साथ जो मेरा सीन था, जिसमें मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि प्लीज आप शिलासपुरा को आपकी जरूरत है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, उस शूटिंग के दौरान हमारी शूट बीच में रुकी थी। अच्छा सो और एक किस्सा बहुत कमाल था, एक फिफ्थ एपिसोड में जो मेरा बैंडिंग वाला सीन है, जिसमें मैं प्रमुख बनता हूँ करापली का, तो वहां पर वो रियल लोकेशन थी और राजेश तिलंग सर बैक टू बैक शूट कर रहे थे दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ भी, और ट्रैवल कर रहे थे, उनको ना रेस्ट मिल रहा था ना कुछ, 102-103 बुखार में थे जब उन्होंने वो शूट किया। एंड लेकिन वो इतना स्मूथली शूट हुआ, नोबडी विल रिकॉग्नाइज कि उनकी तबीयत खराब थी या परफॉर्मेंस के राइट हिसाब से। और उसी लोकेशन में हमें बिच्छू, चमगादड़, ये सब मिले हैं। सो गॉड, आई वॉज सिटिंग देयर, हाँ आई वॉज सिटिंग देयर, मैं अपने ब्लॉकिंग में बैठा हुआ हूँ उस सीन के, एंड अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और इतना बड़ा बिच्छू कोई दिखता है, और फिर मुझे उठाया जाता है, सारी भीड़ जमा हो जाती है, फिर वो क्लियर किया, फिर शूट करना शुरू किया। सो ऐसे रहे हैं काफी किस्से वहां पर। काफी मतलब डिफिकल्टीज, एक हर्डल का सामना करते हो आप लोगों ने फाइनली शूट किया। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि देखो, पसंद भी किया गया आप लोगों के कैरेक्टर को, दहन को इतना पसंद किया गया, इतना प्रेज मिल रहा है उसके बाद, तो मुझे लगता है यही एक एक्टर की, एक्ट्रेस की अचीवमेंट है कि ऑडियंस इतनी सारी मेहनत, इतने हार्डवर्क के बाद अगर उसको पसंद किया जाए तो वो मेहनत सफल हो जाती है। एग्जैक्टली हमारे विक्रांत पवार सर एक बात बोलते हैं कि फेम, नेम,
ये पैसा सब आता जाता रहेगा, लेकिन जो बिल्कुल टाइम है वो टाइम का अगर वैल्यू अगर ऑडियंस देती है, अप्रिशिएट करती है, तो लगता है कि हमने जो ये टाइम इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल सही किया है, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनने में ही मेरे हिसाब से 3 साल से ऊपर लगे, क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया, लॉकडाउन से पहले 2 बार ही स्केट्स बने हैं, एंड देन उसके बाद उससे पहले इसका प्री प्रोडक्शन स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम, 1 साल 2021 हमने पूरा शूट किया है मार्च से लेकर नवंबर तक, फिर उसके बाद इसका पूरा VFX 2022 में अपना डबिंग, ये वो जो भी पोस्ट प्रोडक्शन होता है वो शुरू हुआ, फाइनली जाकर ये सितंबर में रिलीज हुआ। हम लोग काफी टाइम से बिल्कुल वेट कर रहे थे कि एग्जैक्टली अब काफी टाइम हो गया, अब हमें मतलब वेट कर ही रहे थे कि अब इसका रिलीज हो, अब इसका रिलीज हो। चलो, सो रिलीज हो वो गई, आप पसंद भी किया गया। और इस बीच अच्छा, मैं आपसे पंकज जी जानना चाहूंगी, रिलीज हुआ और ऑब्वियसली बहुत लोगों ने तारीफ भी की होगी, आप भी सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में जाते होंगे, कमेंट्स पढ़ते जरूर होंगे, तो उनमें से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या लगा अपने कैरेक्टर के लिए? बेस्ट मतलब मोस्टली कमेंट्स तो जो आए थे वो यही थे कि क्यों मारा आपको, वो एक लाइन से वो एक हुजूम क्रिएट हो गया था इस कमेंट का, क्यों मारा सचिन को, क्यों मारा, अभी तो ये कैरेक्टर पसंद आने लगा था, अभी ये कुछ करने वाला था। सो फोर्थ फिफ्थ सिक्स एपिसोड में सचिन का ग्राफ एकदम से ऊपर बढ़ता है। इनिशियली जिस तरीके से उसको शूट कर रहे थे, वो जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, तो मेजरली ये कमेंट्स आए, लेकिन बाकी अगर कमेंट्स की बात करूँ तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, कहा कि काफी नेचुरल था, लग नहीं रहा था कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि आप रियल लाइफ में भी ऐसे हैं जैसे सचेत है, तो मैंने कहा नहीं, मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं, आप थोड़ी बहुत अमूमन ऐसा ही होता है सिमिलैरिटीज ना है। कि कोई नेगेटिव रोल करता है या फिर कोई कोई अलग तरीके का किरदार करता है, तो जनरली पंकज उस तरीके के कैरेक्टर्स के लिए ही एक्टर्स को अप्रोच किया जाता है, और कहीं ना कहीं वो इमेज बन जाती है कि ये एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर्स ने प्ले किया है, तो ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं नहीं, उस इमेज का भी ना कई बार एक्टर्स को भुगतना पड़ जाता है रियल लाइफ में भी। तो क्या आपको क्या लगता है इस बारे में कि अब इस तरीके के रोल करेंगे आप, कुछ अलग करना चाहेंगे, क्या आपका टेक है? मैंने कुछ मतलब एज सच मैंने कुछ फिक्स नहीं कर रखा है, एक्टर को वैसे भी फिक्स नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये था कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीरीज में मैं एक विलन वाला पार्ट ही कर रहा था, आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट रोल। जिन लोगों ने सीरीज देखी उनको पता होगा एक भैरूपिया टूथपिक एक कैरेक्टर था जो अवनी अवनी रॉथ का पीछा करते हैं और अने को उनके बेटे को किडनैप करते हैं। सो आई वाज सेलेक्टेड फॉर दैट रोल इनिशियली, यस। देन क्योंकि उस टाइम पे मेरा लुक चेंज था, मेरा लुक मैं दाढ़ी थी, सब बहुत चेंज लुक था इसका। एंड देन उसके बाद ये वाला जो रोल है वो इनिशियली कोई और कर रहे थे, मेरे एक फ्रेंड है रोहित चौधरी वो कर रहे थे, एंड देन उनकी डेट का क्लैश हुआ दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तो फिर क्योंकि रोल बड़ा था एंड सेमी नोन कैटेगरी चाहिए थी, और मेरा मैं शिफ्टी 2022 में हुआ हूँ मुंबई, तो अच्छा, किसी सेमी नोन कैटेगरी को सेलेक्ट किया गया था। और फिर उसके बाद शूट से 1 हफ्ता पहले कुछ प्रॉब्लम बोलूंगा या कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया उनके साथ, सो ओवरनाइट ये कॉल लिया गया कि पंकज से करवाते हैं। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेकिन यस डेस्टिनी अच्छा, उस है। कैरेक्टर से सीधा सचेत का कैरेक्टर मिलना, ऑब्वियसली थोड़ा सा आप किसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, फिर एक दो आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसे बोला जाता है, तो क्या क्या रिएक्शन था एग्जैक्टली आपका उस टाइम? मेरे रिएक्शंस ये थे कि मेरे साथ तो थोड़ा पहले प्रैंक किया गया कि आप इस प्रोजेक्ट में ही नहीं
ओके अच्छा प्रैंक भी हुआ था हाँ राइट वो हमारे जो सर हैं डायरेक्टर सर विक्रांत पवार वो हैं ऐसे तो उन्होंने हल्का सा प्रैंक किया था एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। अच्छा हाँ मुझे लगा कि गया मौका, मतलब ऐसा क्या किया मैंने, लेकिन फिर ही वाज लाइक कि नो आई वांट यू टू प्ले सचिन। सो जब वो चीज आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पास, तो फर्क ये मेजर ही था दोनों कैरेक्टर में। इनफैक्ट सचेत में लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज पकड़नी थी राजस्थान, क्योंकि उसका बेल्ट वही है, राजस्थान का ही है। सो मेरे को स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप लैंग्वेज मत पकड़ना, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही शूटिंग शुरू हुई थी, एक हफ्ते पहले ही मैं सेलेक्ट हुआ था, शूट एक हफ्ते बाद ही था। तो वो रिस्क फैक्टर था कि लैंग्वेज में अगर फंसेंगे तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए राइट कैरेक्टराइजेशन में या परफॉर्म करने में। बट फ्रैंकली ये जब मैं सेट पे पहुंचा, मेरा फर्स्ट डे शूट था सचेत का, मैं कुछ 1-1.5 घंटे पहले सेट पे पहुंच गया था। वहां पर जितने भी लोकल क्राउड थे, राजस्थानी लोग थे, उसी जहां पर हम शूट कर रहे थे उसी गांव के, मैंने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया। उनका एक एक्सेंट है, वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली जहन में बसती गई। जब मैंने अपना पहला डायलॉग डिलीवर किया, आई वाज नॉट अवेयर कि मैं क्या बोलूं, अच्छा क्योंकि मोमेंट में आप रहते हो, आप ज्यादा नहीं सोचते उस टाइम पे, सोचना नहीं चाहिए। हमारी जो एसोसिएट है श्रुति, उन्होंने उस शॉट के बाद मूव ऑन हो गया, मूविंग ऑन हो गया। एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, कह रहे कि एक बार हेडफोन लगा। तो साउंड दादा के पास गए, उन्होंने हेडफोन दिया, कह रहे सुन। मैंने सुना, मैंने कहा ठीक तो है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? शी वॉज लाइक तूने क्या एक्सेंट पकड़ा है? फिर मैंने ध्यान से सुना, मैंने कहा शिट, उसने कहा पूरे शो में तेरे को यही फॉलो करना होगा। देन मैंने अपने लैंग्वेज ट्रेनर जो राकेश जी, उनको अपने साथ रखा थ्रू आउट शूट में। कुछ इम्प्रोवाइज भी करने का अगर मेरे दिमाग में आता था, तो मैं उनसे पूछता था कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में बताइए कि किस तरीके से मैं इसको इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, एक्सेंट क्या होगा, चीजें क्या होंगी। रिहर्सल्स करता था, देन फिर उसके बाद फ्लोर पे मैं उतरता था। सो ये चीज रही है। तो सचेत के कैरेक्टराइजेशन में मेजर मेजर चीजें तो यही थी कि ही इज ऑनेस्ट, सॉफ्ट गाय, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बिल्कुल खरा उतरता है, अवनी ज्योतिषा मैम है उनके सामने, और फिर उसके बाद किस तरीके से वो वॉरियर जोन में जाता है, वो करापली प्रमुख बनता है। तो ये एक थिन लाइन, मतलब बेसिक लाइन थी, और थिन लाइन बस वो लैंग्वेज वाला था, जो काफी जो मेरे दोस्त हैं वहीं से राजस्थान से, उनसे मैंने पूछा शो के बाद कि कैसा रहा लैंग्वेज, मतलब फेक तो नहीं लग रहा? दे वर लाइक नहीं, इट्स गुड, इट्स कमिंग आउट गुड, बैलेंस करके चले। जहां पर आपको अवनीत से बात करनी थी, तब आपने वहां पर थोड़ा हिंदी का यूज किया, और जहां आप अपने करापल्यू से बात कर रहे, तो वहां पर आप लैंग्वेज और एक्सेंट का यूज किया। मैंने कहा ठीक है, गॉड ग्रेस। चलो ठीक है ओके रिपोर्ट आ गई जी, है राजस्थानी दोस्तों की तरफ से। ओके, रिपोर्ट आ गई है। अच्छा आपने भी बताया कि जैसे आपके साथ प्रैंक किया गया था, तो आई एम श्योर वो सेट का एटमॉस्फेयर भी उस तरीके का हल्का फुल्का मतलब थोड़ा मजाकिया टाइप का रहता होगा। से ऑब्वियसली आपने इतने सीनियर एक्टर्स के साथ परफॉर्म किया, क्या व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको तो। सीनियर एक्टर्स हमेशा आपकी लाइक पुलिंग करते हैं। अच्छा सो वो रहा है लाइक एक सीन था जेल में, सौरभ सर को मतलब बंदी कर लिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और वो सीन चल रहा है और मैं तुरंत आता हूँ, मेरे काकोस आए उसमें, तो मैं आता हूँ और मैं इनसे, मुकेश तिवारी सर से बोलता हूँ, मतलब सीन का ही पार्ट है वो, कि ये कौन सा तरीका होता है। अच्छा तो हाँ, तो ये मैं कर रहा हूं, कट हुआ है और मैं देख रहा हूँ सौरभ सर नीचे मुंह करके, क्योंकि बैठे हुए हैं,
शॉट पे वो हंस रहे हैं, कैमरे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा, लेकिन वो इस तरफ हंस रहे हैं। ऑब्वियसली वो शॉट नहीं रखा, कुछ और रखा था, लेकिन वो बॉल चल रहा है। हमारे मुकेश तिवारी सर वो सिर्फ सेट को एनर्जाइज करने में लगे रहते थे, कुछ भी बात होती थी, कितना भी गंभीर माहौल होता था, लेकिन उनकी मस्ती मजाक और वो चलता रहता था, जिस वजह से पूरे सेट में हमेशा एनर्जी रहती। फिर उसके बाद ऑफ सेट ऑन सेट, वो क्योंकि हमने पूरा एक साल शूट किया है, तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स थे। शूट के बाद, पैकअप के बाद थोड़ा पार्टी जोन में भी जाना, क्योंकि इतनी गर्मी में वो शूट करते थे, तो वो रिलैक्स करने का एक माध्यम होता था। बिल्कुल एंड लेकिन बैक टू बैक शूट हुआ, और ये मस्ती मजाक तो खैर मेरे ख्याल से वो बहुत लाइट जोन क्रिएट कर देता है किसी भी सेट पे, बिल्कुल और बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप यू आर वर्किंग विद योर फैमिली। तो वरना अगर बहुत गंभीर मामला रहेगा तो आप अपने में लगे रहोगे, सामने वाला अपने में लगे रहेगा, वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मेरा कंफर्टेबल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो मेरे को एक्टर्स थे, राजेश तिलंग सर, मुकेश तिवारी, सौरभ सर, इसका मैं, हम लोग खूब मस्ती मजाक करते थे, ये रहता था जाहिर सी बात है, इतना हमारे लंबा डायरेक्टर शूट को। चलेगा तो कहीं ना कहीं आपका एक वो कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है, आपको फैमिली की तरह यू नो ट्रीट करने लग जाते हैं, फिर अच्छा लगता है साथ में काम करना। सी वो नर्वसनेस जैसे स्टार्टिंग में होती होगी, मे भी वो सब तो ऑब्वियसली नहीं होती होगी। अच्छा पंकज, आपके ये तो चलो इस कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया, अब नेक्स्ट हम आपको किस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं? नेक्स्ट आप देखेंगे मुझे फर्जी में, जो डायरेक्टेड बाय राजन डी के है, शाहिद कपूर जी की ओटीटी डेब्यू है उनका, अच्छा उसमें देखेंगे। एंड उसमें मेरा जो कैरेक्टर नेम है कुलदीप शर्मा है, ही इज नॉट इन अ गुड टर्म विद शाहिद कपूर कैरेक्टर, उसमें आप मुझे देखेंगे। और अभी मेरी 20th अक्टूबर से एक शूट शुरू होने वाली है, अबाउट सम कानपुर गैंगस्टर। सो उसमें मैं एसटीएफ ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ जिसने इनकाउंटर किया था, तो ये लुक उसी का है जो मैंने कैरी किया। अच्छा ओके okay. सो उसकी, हाँ उसकी प्रेप ही चल रही है अभी, एंड ये फिलहाल तो अभी आप मुझे उसमें देखेंगे। मैंने एक सीरीज की थी लॉकडाउन में, जब पूरी दुनिया बंद थी तो हम सीरीज शूट कर रहे अपने घर पे, तो वो एमएक्स प्लेयर में स्ट्रीम की 2021 में। अभी किसी मतलब बड़े छोटे प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, सारी प्लेटफॉर्म कमाल होते हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली है किसी प्लेटफॉर्म से कि वहां पर वो स्ट्रीम होगी। सो वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा जैसे ही प्रमोशंस शुरू हो जाएंगे उसके। अच्छा पंकज, अब ओटीटी पर आप काम कर रहे हैं, अब शाहिद कपूर के साथ भी जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी ओटीटी का है, तो ओटीटी पर आप परफॉर्म काफी कर रहे हैं, तो क्या लगता है जैसे मतलब अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो मुझे भी ओटीटी देखना बहुत पसंद है, फिल्में भी मैं बहुत देखती हूँ, आई एम श्योर आप भी फ्री टाइम में मूवीज जरूर देखते होगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मूवीज को ओवरटेक कर रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म? मैं ये कहूंगा इनफैक्ट कि अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट की ओटीटी ने। रीजन ये था कि मैं पिछले 10 साल से जंगूरा कर रहा था, जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक नामक जगह है, वहां पर जंगूरा एक टॉलीवुड शो है, तो मैं काफी टाइम से वही कर रहा था। मुंबई में रहता ही था, अप डाउन करता था वहां से। लेकिन जितने भी आप ये देखेंगे ओटीटी ने कमाल कमाल एक्टर्स दिए हैं, पंकज त्रिपाठी, राजेश तिलंग सर, जयदीप अहलावत काफी बिल्कुल टाइम से थे, ही इज माई सीनियर फ्रॉम एफटीआई, एंड पाताल लोक से उनको एक अलग ही पहचान मिली, मतलब उनका जो ड्यू था वो उनको मिला। ओटीटी ने काफी एक्टर्स के लिए, क्रू के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। बिल्कुल माध्यम के हिसाब से मुझे, मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि ओटीटी ने ओवरटेक कर लिया है, या फिल्म्स फिल्म्स की अपनी वैल्यू है, सिनेमा थिएटर आप
मूवीज की अलग 2.5 घंटे में एक पूरी कहानी दिखाना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन ओटीटी ने उसी कहानी की जिस कहानी के साथ जस्टिस नहीं हो सकता 2.5 घंटे में, वहां पर आप इसे 7-8 घंटे में, 9 घंटे में आप दिखा सकते हैं। थोड़ा इस स्क्रिप्ट के माध्यम को अगर ऑडियंस तक अच्छे तरीके से पहुंचाना है तो वो एक लेंथ चाहिए होती है जो शायद ओटीटी ने वो प्रोवाइड की है। सो दोनों ही माध्यम अपनी जगह, बिल्कुल अपनी अपनी जगह है। एंड यस, हमारे पास समय नहीं मिलता सिनेमा में जाने के लिए, और जो कि आज के टाइम पे अगर हम किसी मूवी हॉल में जाते भी हैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी मल्टीप्लेक्स में जाना, फिल्में देखना, क्योंकि एक फैमिली का अगर 4 लोग भी जा रहे तो कम से कम उनका 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, तो उनके लिए वो इवेंट होता है। ओटीटी ऐसी चीज है कि आपने जब आपके पास समय हुआ आपने फोन खोला सीधा लो आपने। के मस्त घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते खाते पूरे फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो रीच ओटीटी की वजह से ज्यादा पहुंची है, एक्टर्स को काफी अप्रिसिएशंस मिल रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली मिली। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप हम आपको ऐसे ही और अच्छे कैरेक्टर्स में देखेंगे और ढेर सारी फिर से आप के साथ बात करेंगे। पंकज, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।